आई ओवर बढ़दा पे सुस्तु सही दा बारे क्या अक्सो भाई जी इतना घंटा घंटा गड्डिया खड़े रहन अच्छा जी मेरा ब्रांड का शुक्रिया रोड पर मैंना पे चलो फायदा दी रे जी हम पे सोला भी दी रे जी हम सुखी रासी बहुत ज्यादा आसानी होगी इसके लिए हम अशरफ बिन साहब का बहुत ज्यादा मशहूर हैं जो उन्होंने ये काम किया है हमारे लिए शहर के लिए रश रोक रहे थे हम को फायदा दे दिया अच्छा तो कोई फायदा दे दिया हम मंजने अच्छा अच्छा फिर भाई जाने मरे ना पे भाई जाने थी मेहरबानी इधर बना दे सब ये के रिक्शा लगो सोलो थी वैसे भाई जाने बेहतरीन मनसूबा है बनाने का मनसूबा और टेंडर पास हो गए हैं इंशाल्लाह अगर वो बन जाता है तो बहुत ज्यादा आसानी होगी भाई क्या तो हाँ को भी तो फायदा दीजिए क्या मतलब तो क्या मुश्किल आ गई पहले घंटा घंटा डेढ़ घंटे तक खड़े हो अच्छा घंटा घंटे ही खड़ना पौंदे बिल्कुल अच्छा घंटा खड़ना पौंदे भाई सही है फ्लाईओवर बनन नाल मिसाल तो को फायदा दीजिए तमाम यके को फायदा दीजिए भाई तमाम रिक्शे लग स्कूल टाइम दे सब परेशानी थी ने सब सवेरे टाइम में तो दोबारा टाइम ही सो मने देवे कोटा दूदी तारीख तक मेगा प्रोजेक्ट है बिल्कुल ये कौन पढ़ना पैसे अशरफ का अच्छा यार गाना गाना काफी ये फायदा दी वे जी जी चौकीदार खड़ना पौधा अच्छा तो सवार चाह क्या परेशानियां थी जान परेशानी थी पहले परेशान थी दे आवाम को बढ़ने फायदा थी सी अच्छा क्योंकि तुम्हारे इतना सेटअप मौजूद है तो क्या समझ रहे ट्रैफिक ब्लॉक होंगे क्या तुम्हारे कारोबार भी मुतासर थी ना कारोबार लेकिन इतना ब्लॉक कहने ट्रैफिक अच्छा लेकिन एक अच्छा सुबह स्कूल वाले बाले को भी बड़ी प्रॉब्लम थी अच्छा और एम्बुलेंस वगैरह को भी अच्छा तो समझते हुए ये आवाम तक देरीना मुतालबा जरा पूरा थी वणवेदा पे इंशाल्लाह ये जरा ना अच्छी चीज है के इंसान दे वेलफेयर के या इंसान के फायदे के लिए काम की तरह अच्छी चीज है अच्छा खुशी देने के लिए बड़ा रहना है पता है खुशी दी अच्छा अच्छा सर तुम्हारा क्योंकि सेटअप इतना नजदीक है फ्लाईओवर ना होने की वजह को इतना एक्सीडेंट ही थी ने हम एक्सीडेंट अच्छा थी रहा है तेजी आज तक दुनिया में तेज रफ्तार ठीक है भगदड़ ये वो एक्सीडेंट तमाम सही है बहुत बड़ा तेज है ट्रैफिक टाइप में रश जो है ना अच्छा ट्रैफिक रश बहुत है अच्छा ट्रैफिक कितनी जाम थी यानी अपने साथ दुकान तक रश हो रहा है पर दुकान तो कितनी दूर है ये कैश पे चीर रहा था अच्छा और उन्हें बड़ा लंबा फायदा थी सी जय बहुत फायदा थी सी शुमाली फाटक दे नाल रहंदे वे इतना बाईपास ते हुन इतना फ्लाईओवर बढ़दा पे तो क्या समझदे वे फ्लाईओवर दे नाल आवाम को फायदा थी सी बहुत ज्यादा फायदा अच्छा क्या फायदा थी सी तो सारे एक ते है के मजदूरी दी आमदनी बन सी ठीक है गरीब इंसान जेड़ा है कुछ मसाल जी ठीक है उनके बावजूद
अशरफ फार्म को सलाम करे ने ठीक है ठीक है सर जिन्होंने मंसूबा कैम की के और गिन गया ठीक है ना को सलाम है ठीक है अजमत को सलाम है। अच्छा इधर जरे ट्रैफिक ब्लॉक थींदा द्वारा कारोबारी मुतासर थींदा बहुत सारा थींदे बहुत ज्यादा ही थींदे। अच्छा इंदे बणन नाल सब को बड़ा फायदा क्या थे क्या क्या हादसा दी शरज कमी आसी हादसा दी कमी आसी सर मजदूर वास्ते ज्यादा फायदा सर। अच्छा जिवें जी हां जी एक आम दिनी वर्षी ठीक है मजदूर इंसान दी दिहाड़ी सही थी सी जेड़े गरीब सो दे रुंदे वदे सारी कार तैयारी आले ठीक है सर उने दा फायदा है। ता फ्लाईओवर बढ़दा पे तो कैसा वैते बे फ्लाईओवर दे बड़ा عوام को फायदा थीसी अच्छा ट्रैफिक दा जाम फ्लाईओवर जो बढ़दा पे उंदे बारे तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरा ख्याल ये है तो फ्लाईओवर जेले बण वेसी सारी ज्यादा ट्रैफिक बहुत सारी होंदी और घट वेसी असा भी इतन काम के जेले 50 भाई जी यहां जो है ना मुश्किलात ऐसी है जहां रोड क्रॉस कोई नहीं कर सकता फ्लाईओवर बनेगा ना सबको फायदा होगा। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे बता दे फ्लाई पर एक कारोबार को फायदा दी जी अच्छा अच्छा मंसूबा केरे बंदे दा है ठीक है फ्लाईओवर बन के रोड खुला थी वैसे बहुत सारा फायदा थे वैसे आवाम वास्ते सादे वास्ते बहुत सारा फायदा है। तोरे किते फायदा थी वैसे बहुत सारा फायदा थे ये प्रोजेक्ट जरा सुन ले ये जो लोड बन से उन्हें बहुत बड़ी मेहरबानी है चलो ये फ्लाईओवर जब ये अभी की क्या सूरत हाल है जब यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं है तो यहाँ एक दो दिन में जो है ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा किसी की टांग तोड़ती है किसी की बन जाएगा फिर सारी फायदा हो जाएगा फ्लाईओवर बनने वाला आम दे के मुश्किलात सारे हल दी वे थे। अच्छा ट्रैफिक तो बहुत ब्लॉक होने से बहुत सही। अच्छा कितनी देर ट्रैफिक खड़े में दिए आधा तो मुनौना घंटा खड़े रहते घंटा अशरफ रेंज की मेहरबानी है वो बनवा रहा है उसकी मेहरबानी है सब कुछ जो आपको नजर ये रास्ता आ रहा है ये उसी फ्लाईओवर जहाँ पे बन रहा है उसी तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि रेलवे लाइन मौजूद है और सामने ही फाटक है तो रेलवे स्टेशन भी क्योंकि नज़दीक था गाड़ी जहाँ पे यहाँ रुकती थी तो तब से उस फाटक को बंद कर दिया जाता था और घंटों इंतज़ार करना पड़ता था आम आवाम को। तो ये मेगा प्रोजेक्ट कोटद्दू के लिए ट्रैफिक के अगर आप कह सकते हैं कि बहाव को आसान करेगा और आमदोरफ्त को बहुत आसान करेगा खसूसन इस रोड के ऊपर जो आप नज़र आ रहा है जो बिस्टम खाली है जब ट्रेन वहाँ यहाँ के रुकती है तो आगे जब ये फाटक बंद कर दिया जाता है तो मुकम्मल इस रोड के ऊपर आपको ट्रैफिक जाम मिलता है जो बिल्कुल आपको आने वाले दिनों के अंदर नज़र नहीं आएगा। तुम जी मेरे पीछे नज़र आने वाले आपको ये रेलवे फाटक और या जिसे आप ये चौक कह सकते हैं यहाँ पे शदीद अवामी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रोज़ाना सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पेशेंट के लिए और खसूसन उन तमाम ट्रैफिक को जो तोसा लैया से कोटद्दू आती है उसकी रीज़न ये रेलवे फाटक था क्योंकि यहाँ पे रेलवे फाटक की वजह से बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त रहती थी ट्रैफिक की और ट्रेन्स की और ये फाटक बंद कर दिया जाता था इसकी वजह से घंटों इंतज़ार करना पड़ता था आम आदमी को ट्रैफिक को। अब यहाँ पे एक फ्लाईओवर मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एरीगेशन जनाब अशरफ खान रिंद साहब लेके आए हैं। इस फ्लाईओवर मंसूबे से जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ के आवाम को हो रहा है कारोबारी अफराद बता रहे हैं कि ना सिर्फ उनके कारोबार को फ़ायदा होगा बल्कि दूसरा यहाँ पे आमदोरफ बेहतरीन सूबाई असम्बली के जो हमारे मेंबर हैं अशरफ खान रिंद उनकी इंतखाबी मुहिम का के मंशूर में भी ये मंसूबा शामिल था जो उन्होंने पूरा किया और पंजाब हुकूमत से बाकायदा तौर के ऊपर इस मंसूबे के फंड्स जारी हो चुके हैं और ये मंसूबा आने वाले चंद माह में शुरू होने वाला है और कुछ ही अरसे में जब यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो ना सिर्फ मुआशी बेहतरी इस इलाके में आएगी बल्कि आवाम के लिए आसानी होगी। तो इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई सवाल राय तजवीज़ हो तो ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा बिल्कुल ये तासर ना लीजिएगा कि हम कोई किसी की यहाँ पे सियासी सपोर्ट कर रहे हैं क्या बिल्कुल नहीं खालिसतन अवामी फलाह का ये जो मंसूबा था उसके लिए हमने अवाम के जितने भी राय हैं मकामी अफराद के जितने भी रिव्यूज़ हैं और जितने भी उनके पॉइंट्स हैं उसको आपको बताया है बहुत मैं मीर चाकर आज़म रिंद फ्लाईओवर मंसूबा कोटद्दू के ये शुमाल की तरफ से
जो रोड कोटोदू में दाखिल हो रहा है ये बिल्कुल वही है जिस तरह आप देख रहे हैं। यहीं से कोटोदू शहर का पहला फ्लाईओवर बनने जा रहा है। ये जो सामने बिल्कुल आप फाटक देख रहे हैं इसकी वजह से रोज़ाना शहरियों को एक जहनी कैफियत का शिकार होना पड़ता था। इसी जगह ये देखें जैसे ही ट्रेन आती थी तो ये रुक जाता था। अब यहाँ पे जब एक बेहतरीन मंसूबा पाया तकमील हो जाएगा तो शहरियों को बहुत आसानी होगी।